ये है चैप्टर वन का नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट कॉज द वॉर एंड हु वाज टू ब्लेम। अच्छा, वॉर कैसे स्टार्ट हुई और ब्लेम किसको दिए दे सकते हैं। कई स्टूडेंट्स सीधा ऑस्ट्रिया हंगरी को ब्लेम करते हैं क्योंकि उन्होंने सर्बिया पे अटैक कर दिया, पर कई हिस्टोरियंस का मानना है कि रशिया इन्वॉल्व हो गया था, इस वजह से वॉर हो गया। कई कंट्रीज़ जर्मनी को मानती हैं, कई कंट्रीज़ ब्रिटेन को ब्लेम करती हैं कि उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया कि वो किसको सपोर्ट करेंगे। तो अब देखते हैं क्या है आगे। एक हिस्टोरियन है जॉर्ज कैनन, इन्होंने कहा है जो आर्म कैंप्स बन गए थे, जो ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटेटे और भी सीक्रेट अलायंस बने हुए थे, इनकी वजह से वॉर हो गया। तो पर कई हिस्टोरियंस ये भी नहीं मानते, उन्होंने कहा कि कई ट्रीटी हुई पर वो इतनी सीरियस नहीं थी, जैसे कि हमने सेकेंड बाल्कन वॉर में पढ़ा, ट्रीटी होते हुए भी जर्मनी ने कोई हेल्प नहीं की। मोरक्कन क्राइसिस के टाइम पे हमने देखा, मोरक्कन क्राइसिस में भी चीज़ें मेनली फ्रेंच, ब्रिटेन, जर्मनी के बीच में रही और किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसे कई वॉर छोटे मोटे होते रहे जिसमें अलायंस ने कोई रोल ही प्ले नहीं किया। तो कई हिस्टोरियंस इसको क्रिटिसाइज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक कॉलोनियल राइवलरी इन अफ्रीका एंड द फार ईस्ट। अब इसमें क्या हुआ, जैसे कि हमने कॉलोनियल राइवलरी इन अफ्रीका देखा था, मोरक्कन क्राइसिस में देखा था कि कैसे कि राइवलरी स्टार्ट हो गई थी और जर्मनी बहुत बहुत परेशान था क्योंकि वो इंपीरियल पावर्स को अपनी बढ़ा नहीं पा रहा था। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस बहुत अच्छी पोजीशन में थे, पोर्तुगीज़ भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे, पर जर्मनी बहुत पीछे था। खैर, कई हिस्टोरियन इसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनका मानना है कि कई इनके बीच में एग्रीमेंट होने लग गए थे और वो कंक्लूजन तक भी पहुंच रहे थे। और जो नेवल राइवलरी थी वो इन कॉलोनीज की वजह से, नेवल रेस जो स्टार्ट हुई थी, नेवल राइवलरी जिसे कहते हैं, वो भी कई कारण हो सकता है, पर कई हिस्टोरियन इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट है द नेवल रेस। तो अल्फ्रेड महान है, ये है अमेरिका की, हाँ, तो अल्फ्रेड महान ये अमेरिकन है। इन्होंने अपनी एक बुक छापी है जिसमें उन्होंने लिखा कि जो नेवल है उससे पावर डिसाइड होती है। मतलब तो ऐसे ही कुछ उन्होंने लिखा था कि सी पावर वॉज द की टू द सक्सेसफुल बिल्ड अप ऑफ अ ग्रेट एम्पायर। तो उसे जर्मनी बहुत बहुत भावुक हो गया, उसने बहुत अपनी नेवल पावर को बढ़ाने की कोशिश की, तो जिससे नेवल रेस स्टार्ट हो गई। तो कई हिस्टोरियन इसको मानते हैं कि ये एक वॉर का कोज था, लेकिन कई हिस्टोरियंस इस पर भी सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा था कि जर्मन बाद में अपनी नेवल पावर्स को कम करके मिलिट्रीली खुद को बढ़ाने लगता है, और जो ये नेवल रेस है कहीं ना कहीं 1914 तक आते आते ख़त्म हो जाती है। अब इकोनॉमिक राइवलरी, अब हमने पहले बात की ही है कि जर्मनी अपना इंपीरियलिज्म एक्सपेंड करना चाह रहा था, जर्मनी अपनी इंपीरियल पावर्स को बढ़ाना चाह रहा था। तो और जो मार्क्सिस्ट है वो पूरा ब्लेम जो है इकोनॉमिक राइवलरी का कैपिटलिस्ट पे डाल देते हैं, कहते हैं ये सिस्टम ही ख़राब है, ये वॉर को क्रिएट करता है। और यहाँ तक कि जर्मनी खुद को क्लेम भी कर रहा था कि अगर उन्हें कुछ शांति के 3-4 साल दे दिए जाएं तो वो बहुत मास्टर हो जाएगा यूरोप का इकोनॉमिक टर्म्स में। ठीक है, तो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं वो ब्रिटेन, फ्रांस से डोमिनेंट क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं वॉर को ज़रूरी ही मानता था, तो ये इकोनॉमिक राइवलरी में आता है। रशिया मेड वॉर मोर लाइकली बाय सपोर्टिंग सर्बिया। तो इसमें क्या है, रशिया मेड वॉर मोर लाइकली बाय सपोर्टिंग सर्बिया। रशिया अगर सपोर्ट नहीं करता तो ऑस्ट्रिया हंगरी का एक बाल्कन वॉर रह के ये चीज़ें ख़त्म हो जाती, पर रशिया ने सपोर्ट कर दिया जिसकी वजह से ये एक
वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया, कई हिस्टोरियंस ये मानते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, जर्मन पैकिंग फॉर ऑस्ट्रिया वाज क्रूशली इम्पोर्टेंट। अच्छा कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर जर्मनी सपोर्ट ऑस्ट्रिया को नहीं करता तो जोर नहीं होता, और बल्कि जर्मनी तो उसको उकसा रहा था कि वो वॉर करे। ऑस्ट्रिया को एक तरह से ब्लैंक चेक दे दिया था जर्मनी ने कि वो वॉर करे और जीते। इसलिए बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, व्हाई डिड जर्मन पॉलिसी टुवार्ड्स ऑस्ट्रिया हंगरी चेंज। ठीक है, इस पर से बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बाद में अगर हम देखते हैं तो जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल होगी तो इसमें जितना भी ब्लेम होगा वॉर का वो जर्मनी पर डाल दिया जाएगा। इसी वजह से जर्मन हिस्टोरियंस तो बहुत नाराज़ होंगे, पर एक हिस्टोरियन है फ्रिड फिशर, उनका मानना है कि अगर एक ब्लैंक चेक अगर जर्मनी ऑस्ट्रिया को नहीं देता तो ये वॉर होता ही नहीं। और कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि 1912 में जो इलेक्शन हुए थे जर्मन सोशलिस्ट पार्टी बहुत अच्छी तरह से जीती थी, 1/3 से भी ज़्यादा सीटें जीत कर रिचस्टैग में आई थी। रिचस्टैग लोअर हाउस है पार्लियामेंट का जर्मनी में। ठीक है, तो वो बहुत बड़े बड़े काम करना चाह रही थी, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम से लोगों का ध्यान हटाना चाह रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये वॉर को बढ़ावा दिया। कई हिस्टोरियन इस फिशर की थ्योरी को नकारते हैं क्योंकि वो उनका मानना है कि ये कैपिटलिस्ट को ब्लेम करते हैं और वो कैपिटलिस्ट उनकी मतलब एक आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ जाती है, इसलिए उन्होंने जर्मनी को कंडेम किया। और कई हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि जर्मनी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था क्योंकि उसको लगता था कि ये ब्रिटेन फ्रांस रशिया उसको मिलकर घेर रहे हैं, तो एक वॉर ही उसके पास एक ऑप्शन बचा था कि वो इन सब से बच सके। और कई हिस्टोरियन तो पॉइंट वन और पॉइंट टू जो मैंने अभी बताया उनको ही रिजेक्ट करते हैं, उनका मानना था कि जर्मनी इतना बड़ा वॉर नहीं सोच रहा था, वो बस अपनी रशियन पॉलिसी को ठीक करना चाह रहा था, जो कि उसकी बड़ी मिस्टेक साबित हुई थी। नेक्स्ट है, द मोबिलाइजेशन प्लान ऑफ द ग्रेट पावर। तो मोबिलाइजेशन प्लान ऑफ ग्रेट पावर इसमें क्या है, एक हिस्टोरियन है गरहर्ड रिटर, एक ही जर्मन हिस्टोरियन से इनका मानना है कि जो जर्मनी का स्क्लिपन SCHLIEFEN प्लान जो उसने वॉर के टाइम पे यूज़ किया था, ये एक एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा रिस्की था, इनफ्लेक्सिबल था, बहुत ज़्यादा टाइमली था, और एक तरह से एक मान के चल रहा था कि जर्मनी की मिलिट्री है वो बहुत पावरफुल है और सारी चीज़ें अच्छी तरह से हो जाएंगी। एक हिस्टोरियन है एक और AGP टेलर, उनका मानना है कि ये प्रिसाइज टाइम टेबल पर ट्रूप्स जाएंगी, सोचने का मौका नहीं देंगी सामने वाले को, और बेल्जियम से होते हुए सीधा फ्रांस पे अटैक कर देंगी, और जो रशिया है रशिया को फेस कर लेगी। मतलब रशिया तो आई नो दूर है, पर जो फ्रंटियर्स पे वो अटैक फ्रंटियर्स पे थे, जो उनकी अलाइंस एंटिटी थी उस पर ये अटैक कर देंगे और वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी, ये सबको निपट लेंगे। तो इस तरह से ये काम कर रही थी, पर इसमें कमियां क्या थी, अब कमी थी ये बेल्जियन, एक मिनट, ये जो बेल्जियन है बेल्जियम ये इस पे रिलाई कर रही थी कि यहाँ से होते हुए हम यहाँ पर जाएंगे, जिसकी वजह से ये इशू बन गया।
अब बेल्जियम तो युद्ध करना चाह नहीं रहा था, उसको तो नहीं चाहिए था वो, पर अब उसकी टेरिटरी में कोई आएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो न्यूट्रल तो नहीं रह सकता, उसको वॉर करना पड़ेगा। अब जब बेल्जियम पे वॉर होगा तो ब्रिटेन भी अनाउंस कर देगा कि वो भी वॉर में कूदेगा, फिर एक तरह से अलायंस स्टार्ट हो जाएंगी और फिर कोई भी वॉर से पीछे नहीं हट पाएगा। तो ये था मोबिलाइजेशन प्लान ऑफ द ग्रेट पावर्स। नेक्स्ट है अ ट्रेजिडी ऑफ मिसकैलकुलेशन। अ ट्रेजिडी ऑफ मिसकैलकुलेशन, कई स्टूडेंट्स का मानना है सबने मिसकैलकुलेशन की थी, बिना सोचे समझे युद्ध छेड़ दिया। ऑस्ट्रिया को लगा कि रशिया सपोर्ट नहीं करेगा सर्बिया को, जर्मनी को लगा कि ऑस्ट्रिया को ऐसे फुल्ली सपोर्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, इतना बड़ा वॉर तो क्रिएट होने वाला है नहीं। रशिया को लगा कि ऐसे मोबिलाइजेशन से कहाँ युद्ध होने वाला इतना बड़ा। और रीटर और टेलर दो हिस्टोरियन अगर ये सही हैं तो उनका मानना है कि जर्मनी की जो कमांडर्स थे उनकी वजह से युद्ध हो गया, उनका उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ टेस्ट क्या कहते हैं। एक टेस्ट है द ओरिजिन्स ऑफ वर्ल्ड वार, द ओरिजिन्स ऑफ वर्ल्ड वार। वार वन किसने लिखी है? एसे एडिटेड बाय रिचर्ड हैमिल्टन और होलगर एच होर्डिक, ट्रिपल एच, रिचर्ड होलगर, रिचर्ड हैमिल्टन, होलगर एच हर्डिक, इन्होंने लिखी है। इन्होंने जाते सारी थ्योरीज को नकार दिया, इन्होंने कहा कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी खैर जर्मनी पे है, और उनके जो काइजर थे और जो एडवाइज़र थे वो सब सोच रहे थे कि रसिया कंपटीशन कर चुका है वॉर के लिए, वो कभी भी वॉर डिक्लेयर कर सकता है, तो यहाँ पे इन्होंने सीधा रिस्पॉन्सिबल माना है जर्मनी को। एक और कलेक्शन है, इसका नाम है एन इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल वॉर, ये लिखी है होलगर अफलरबेच एंड डेविड स्टीवेंसन। इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रिया बस एक वजह ढूंढ रहा था कि कैसे वो सर्बिया पर अटैक करे, सारी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी, बस एक असेसिनेशन एट सराजोवा हुआ वो एक ग्राउंड बन गया कि उसकी वजह से अब वॉर छेड़ ही दूरी पे। ठीक है, एक और कलेक्शन है जिसका नाम है द ओरिजिन्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका इसको लिखा था विलियम मुल्लिगन ने। विलियम मुल्लिगन ने उन्होंने कहा क्या, जो रशिया जो है वो फिर से मिलिट्रीली स्ट्रोंग होने की कोशिश कर रहा था, 1905 में वो जापान से हार चुका था, और जब वो खुद को स्ट्रोंग बनाने की कोशिश करेगा तो इससे जर्मनी को लगेगा कहीं ना कहीं उसकी सिक्योरिटी पे खतरा हो सकता है, तो वो डर पैदा हो जाएगा, तो ये कोज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।